हो जाते दोस्तों। तो आज का वीडियो है, जैसा कि आप लोग को पता है कि साधुओं की हत्या कर दी है, दो साधु और एक उनके ड्राइवर की भीड़ ने मॉब लिंचिंग कर डाली है। तो वो भड़वों को जल्दी से जल्दी सजा मिले, वो मेरी दिली तमन्ना है। और बहुत सारे मेरे जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं, सभी ये चाहते होंगे कि जो गलत है वो गलत है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसी के साथ मैं ऐसा बोलता हूँ कि बहुत से लोग अपने इंडिया में आजकल ऐसे हो गए कि ये क्या मुद्दों का, और ऐसे जो बोलते हैं ना, ऐसे इंसिडेंट का वेट करते हैं कि जैसे ही ये इंसिडेंट आता है वैसे ही वो ट्विटर हो या यूट्यूब हो या व्हाट्सएप हो तुरंत अफवाह फैलाना चालू कर देते हैं और अपना ऐसा दिखाना चालू कर देते हैं कि सिर्फ मुझे ही पड़ी है, बाकी किसी को नहीं पड़ी है। और वो क्या करते हैं कि मुद्दा छोड़ के वो सामने वाले को टारगेट करना चालू कर देते हैं और सामने वाले को बोलना चालू कर देते हैं कि तेरे सरकार में ऐसा हुआ था, तेरी फेवरेट सरकार में ये हुआ और मेरी फेवरेट सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि तुम पॉलिटिकल इसमें झगड़े मत लाओ, तुमको सबको मिलकर ये चीज जो गलत हुई है ना, वो गलत पे स्टैंड लो। क्योंकि हर बार क्या होता है, तुम्हारे ये करने की वजह से हर बार अपनी टीम बांटने की वजह से दो टीम में बढ़ जाते हैं, समझे? फिर वो मैटर क्या होता है, वो मैटर साइड में रह जाता है और तुम्हारा ये लड़ाई चालू रहती कौन जीता कौन हारा। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, वो मुद्दा फिर दूसरी बार होता है। ये बार बार क्यों होता है मॉब लिंचिंग और ये सब? आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, वो क्यों होता है? क्योंकि हर बार ये दो टीम जो है ना, ये दो टीम आके हमेशा अंदर अंदर लड़ना चालू कर देती है और एक दूसरे को गलत साबित करने पे तुल जाती है, फिर वो कोई भी हद तक चले जाते हैं। तो ये मुद्दा साइड में रह जाता है और इनकी लड़ाई चालू रहती है। तो मैं आपको पहले ये समझा दूं, मेरे जितने भी देश के वासी है, कि जो गलत है ना, ये जितने भी भड़वों ने ऐसा किया है ना, वो भड़वों को सजा मिलनी चाहिए। ये मुद्दे को ठंडा मत होने दो। 60-70 साल के बुड्ढे थे बे, हाँ 60-70 साल के बुड्ढों को तुमने मार मार के मार डाला बे। मैं ऐसा होता, ऐसे लोग को छोड़ना चाहिए। हाँ, इनकी जितनी भी गर्मी, ये गर्मी दिखा रहे थे ना दो बुड्ढों पे 100-150 की भीड़ में, इन लोग को जितना मतलब चाहिए ना मसाला देना चाहिए कंप्लीट। ये सरकार से मेरा वो है निवेदन है कि प्लीज इन लोग पे कुछ ऐसा एक्शन लाओ कि इनकी साथ पूछते कहाँ पे किसी पे हाथ उठाने के लिए, समझे? कि भीड़ हो या ना हो, एकले भी गांड फटे इनकी किसी पे हाथ उठाने के लिए। और मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है कि ऐसे टाइम पे भी लोग राजनीति कर रहे हैं। हाँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, वो पॉलिटिशियन का काम है, वो लोग करेंगे, उन लोग को लड़ने दो, पर अपने को तो पता चलता है ना क्या सही है क्या गलत है। ये गलत है तो सबको मिलकर इधर टीम मत बांटो कि तू तेरी टीम ऐसी मेरी टीम ऐसी, तेरी टीम के साथ ऐसा हुआ तो अब हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग तो अलग ही ट्रैक चलाएंगे कि वो टाइम पे तुम बोले थे। हाँ, और कुछ कुछ आके ऐसा साबित करेंगे कि अब कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप क्यों है, तो वही लोग टीम पाड़ते हैं सबसे पहले। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, जो ये भड़काने का काम करते हैं पहले ही आके ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, पहले तो इन चूतियों को मैं बोल दूं कि तुम अकेले नहीं हो, पूरा देश ही सपोर्ट में है। और ये चीज गलत है, वो गलत है, तो गलत का स्टैंड लेना चाहिए। और सबसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये अफवाह अफवाह पे ध्यान मत दो और एक साथ खड़े रह के जो गलत हुआ है वो गलत पे तुम स्टैंड लो और इसको इसको जैसे कैसे भी करके इन लोग को सजा मिलनी चाहिए, बस। सत्यमेव जयते दोस्तों।